पर। Okay, only 6 to 8 students are there. Anyway,
Okay, I will continue from where I left the last session. So, wait a minute. Okay, today I will discuss further about the dynamic programming. ठीक है, तो कितने लोग हैं इधर जिनको डायनेमिक प्रोग्रामिंग में इश्यूज है? डायनेमिक प्रोग्रामिंग, नो नो, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अबाउट डायनेमिक प्रोग्रामिंग, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. ओके, सो द टॉपिक फॉर टूडे इज डायनामिक make memory allocation, right? So the intuition for dynamic memory allocation is like, क्यों जरूरत क्यों है इसकी, है ना? इसका काउंटर पार्ट क्या है ना? इसका काउंटर पार्ट है static memory allocation. static memory allocation का मतलब, जैसे हम कभी भी इंट ए लिखते हैं तो ऐसा करते ही ए का साइज फिक्स हो जाता है कि ए को कितने 4 बाइट देने हैं हमें मेमोरी में, है ना? तो ए कोई मेमोरी है जिसको कि 4 बाइट मिलता है, राइट? बट जब हम इंट ए ऑफ 5 लिखते हैं तो वी नो, अभी देखो ए की साइज को बड़ा या छोटा तो यहाँ तो नहीं किया जा सकता है ना, लेकिन जब हम बी ऑफ 5 लिखते हैं तो हमारे पास 5 साइज का एक मेमोरी क्रिएट हो जाता है. ओके, 0, 1, 2, 3, 4. 5 साइज का मतलब 5 इंटीजर के साइज का, राइट? मीनिंग टोटल 20 बाइट का, और जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स के अलग अलग एड्रेसेस होते हैं. ओके,
right? मगर देयर मे बी द केसेस वेयर वी नीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ एरे. जितना एरे का साइज है उतने से हमारा काम नहीं हो, तो इस टाइम पे हम भी प्रोग्राम के बीच में एरे के साइज को जनरली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो इतना ही बाइट एलोकेट होता है. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही, सो दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक मेमोरी लोकेशन. ठीक है, क्योंकि हम यूजर से पहले ही, प्रोग्रामर ही फिक्स कर देता है कि एरे का साइज क्या होगा, जबकि अगर हम इसे यूजर पे छोड़ दें तो इट वुड बी फार बेटर. यानी जब रन टाइम पे ब्लैक स्क्रीन आती है तब हम साइज डिसाइड करें एंड ऑल. तो देयर आर मेनी मैकेनिज्म टू डू दैट. वन ऑफ द बेस्ट मैकेनिज्म इज टू यूज थ्री प्री डिफाइंड मेथड्स लाइक मैलॉक, कैलॉक. दिस इज यूज टू एलोकेशन ऑफ मेमोरी. री एलॉक इज यूज टू एलोकेटिंग मोर. मैलॉक से जितना एलोकेट कर दिया उससे और एक्स्ट्रा चाहिए तो ये होगा. और फ्री, फ्री इज अ फंक्शन विच इज यूज टू से लाइक की मेमोरी को फ्री करना है ना. इट इज लाइक, तो इससे पहले मैं कि चैप्टर पढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क समथिंग टू हुम आई शुड आस्क. ओके, व्हाट आई विश टू आस्क. मैंने इंट्यूशन बता दिया कि इसका काउंटर पार्ट क्या है ना, और इसके लिए क्या सब चीजें हमें सीखनी है, तो वो भी मैंने बता दिया कि ये चार फंक्शंस को यूज करना अगर हम जानते हैं तो हमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कोई इश्यूज नहीं होने वाली है. राइट, प्रखर ये बताओ कि अगर अपने पास कोई एरे है लाइक इंट ए ऑफ 5 है ना, और लाइक ये सर एरे है सपोज बी ऑफ 5 दिया हुआ है अपने पास, और मैंने लिखा इंट स्टार पी. ठीक है, एंड पी इक्वल टू ए, पी इक्वल टू एम्परसेंट ए. इस दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट वैलिड है ये पहले बताओ. आपने क्या वो बी इंट बी 5 वाले से बोला, वो ऊपर का ए आपने मतलब कट कर सॉरी, दिया? ए नहीं बोल रहा हूं मैं, बी बोल रहा हूँ. दिस इज बी, ठीक है, ऊपर वाला मैंने कट कर दिया. ये है बी, अरे बी दिया हुआ तुम्हारे पास और एक इंटीजर पॉइंटर है. अब बताओ कि ये स्टेटमेंट 1 वैलिड है या 2 वैलिड है. टू सर 2 वैलिड है वैलिड है, क्यों? क्योंकि सर वो उसका पॉइंटर है, वो उसका एड्रेस रखेगा और एक क्यों इनवैलिड है? सर, क्योंकि वो एड्रेस नहीं, वो मतलब ना, वैल्यू का हो रहा है। बी में बी की वैल्यू, बी अगर प्रिंट करता हूं मैं तो क्या देगा. सपोज मैं बी प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट होगा. बोलो, सर आपने चैप्टर को पढ़ा बुक से, हो से पढ़ा था ही नहीं सकता. कौन सा चैप्टर पढ़ा, मैं वहां से पूछूं ये बताओ मुझे, मैं निकालूं बुक अभी. ठीक यस सर। है, कौन सा चैप्टर पढ़ा बुक में तुमने. सर आपने जितने पेजेस बताए थे वो सारे पढ़े थे? सारे पढ़ लिए थे. ठीक है फिर. अच्छा अश्विन, तुम बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा इनवैलिड है. सर पहला वाला इनवैलिड है सर, क्यों? आपकी स्क्रीन शेयर में एक बार करो. हाँ ठीक है सर, कर रहा हूँ. हाँ बोलो, सही कौन सा ये नहीं पूछ रहा मैं, गलत कौन सा ये बताओ. पहला वाला क्यों गलत है, गलत
सर जैसे अगर पी की वैल्यू मतलब स्टार पी और उसकी जगह से पहला वाला रखेंगे तो वो 5 प्रिंट करेगा, नहीं? अच्छा तो सेकंड वाला इसलिए सही है कि जब अपन एम परसेंट बी को वहां रखेंगे तो वो सेकंड में पूछ ही नहीं रहा, मैं तो फर्स्ट वाले को बारे में पूछ रहा हूँ। फर्स्ट का चक्कर क्या है तो बता दो मुझे तुम। नहीं तो फर्स्ट में जब रखेंगे तो उसका एड्रेस प्रिंट होगा 1010, और अगर सेकंड रखेंगे तो वैल्यू प्रिंट होगी 5। तो कौन सा वाला वैलिड है, स्टेटमेंट 1 या 2? और सेकंड वाला वैलिड है, 1 इनवैलिड है इसका मतलब। चलो ये वाला लेक्चर पढ़ा था एक्स्ट्रा क्लास में, मैंने बताया है ये लेक्चर, याद है? अब इस लेक्चर में मैं यहाँ पॉइंटर बता रहा था कि कैसे स्वैप होता है, और स्वैप के बाद यहाँ मैंने बताया था, है ना? अच्छा ये कौन मुझे बताएगा ये बताओ, इसके अलावे और कौन हो जो मुझे बता सकते हो कि पहला वैलिड है या इनवैलिड है? सर वैलिड है। वैलिड है। मेतुल, मेतुल अग्रवाल, हुसैन, ये सर वैलिड है फर्स्ट या इनवैलिड है? सर मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला वैलिड होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए। दीपिका, यस सर, फर्स्ट वाला वैलिड है या इनवैलिड है? सर गलत तो नहीं है वो? क्यों नहीं गलत है सर? क्योंकि सर PUG B में तो कुछ भी गलत नहीं है ना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों गलत क्यों नहीं है, वही तो मैं जान रहा हूँ ना। पी अगर बी को रख रहा है तो क्या क्यों अलाउ है, क्यों रख पा रहा है? क्योंकि स्टार पी होगा ना पॉइंटर, तो पी तो पॉइंटर नहीं होगा ना। पी पॉइंटर नहीं होगा? नहीं सर। ये वाला लेक्चर याद है आप लोगों को? ये वाला लेक्चर पढ़ते खुद नहीं हो? और देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या मैंने बताया हुआ कि एरे का जो नेम होता है इज कॉन्स्टेंट पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट, यानी ये रखता क्या है 10। 10 क्या है? पहले एलिमेंट का एड्रेस। बताया था कि नहीं बताया था? कितनी बार बता चुका हूँ, मुझे भी याद नहीं है ना। एरे का नेम ऑलवेज जब तक जिंदा रहेगा, जब तक प्रोग्राम, तब तक एरे में ए में 10 ही रहेगा। ए की वैल्यू को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं। कॉन्स्टेंट पॉइंटर है यहाँ पे, मतलब कॉन्स्टेंटली इसी पहले ही एलिमेंट को जिंदगी भर ये पॉइंट करता रहेगा जब तक ये प्रोग्राम रन होगा तब तक। और एक ए की वैल्यू 10 से कोई हटा नहीं सकता, कोई नहीं इसको चेंज कर सकता, कभी भी नहीं चेंज कर सकते हो, ए प्लस प्लस भी नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, राइट? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही वैलिड है। क्यों? क्योंकि पी जब कभी भी, मैंने कितनी बार बताया कि पॉइंटर को एक्सेप्शन की तरह मत पढ़ो, पॉइंटर को कोरिलेट करके पढ़ो। एक्सेप्शन की तरह पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी। मैंने बहुत बड़ा टाइम बताया कि जैसे इंट ए है, सेम प्रॉपर्टी इंट स्टार पी की है, सेम प्रॉपर्टी, जैसी इसकी है वैसी इसकी है। मतलब ए अगर ऐसा डिक्लेयर होता है, इसका अपना एड्रेस होता है, इसके सम स्टोरेज लेता है, उसी तरह पी भी एक मेमोरी ब्लॉक है जिसका अपना कोई एड्रेस होता है। दिक्कत बस यही है कि इसके कंटेंट में कोई इंटीजर वैल्यू जाएगा और इसके कंटेंट में किसी भी इंटीजर का एड्रेस जाएगा, डिफरेंस बस यही है। अगर ए मतलब 5 तो पी मतलब दिस, एम्परसेंट ए मतलब अगर दिस तो एम्परसेंट पी मतलब दिस, कोई 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 डिफरेंस नहीं है, एकदम एग्जैक्टली सेम है दोनों ही चीज।
ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, सिंस इन वेरिएबल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ स्टार लगा दिया जाता है ना, डिक्लेरेशन के समय स्टार लगा दिया जाता है बस डिस्टिंग्विश करने के लिए ये पॉइंटर वेरिएबल है काइंड ऑफ। ये स्टेटमेंट परफेक्टली वैलिड है, क्यों? क्योंकि जब पी क्रिएट हुआ होगा तो पी कुछ ऐसा क्रिएट हुआ होगा, राइट right? मैं इस कॉन्टेक्स्ट से बाहर आता हूँ, ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट है, तो पी कोई ऐसा क्रिएट हुआ होगा। अब पी का कंटेंट क्या है? पी का कंटेंट ओनली एड्रेस हो सकता है, और बी क्या रखता है? बी मतलब एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ऑल इटसेल्फ इज एड्रेस, सो वी कैन पुट इट हियर डायरेक्टली, पी इक्वल टू बी कर सकते हैं, कोई इशूज नहीं है, और यही जनरल स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग मेथड है जो हम यूज करते हैं, है ना। तो अगर आप लोगों ने बुक को पढ़ा होता तो ये समझ आ गई होती, क्योंकि बुक में ऐसे कितने एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक नहीं कम से कम 10 भी 10 ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें इसको लेके कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। आपने अगर एक्सरसाइज किया होगा तो क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, कोई नहीं आपको सिखा सकता है वर्ल्ड में एनीवे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सेकेंडली तो हमें ये अब यूज करना है कि डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कैसे होगा, राइट तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं एंड विल ट्राई टू सी। अभी देखो, अभी जब कभी भी हम इंट ए ऑफ 5 लिखते थे तो क्या होता था, ये अपने पास एक रैम है और रैम में बहुत सारे स्पेस होते थे, सपोज 1 byte का एक स्पेस है, ऐसा ऐसा करके बहुत सारे स्पेस हो रहे हैं हमारे रैम में, है ना, बहुत स्पेस है, 4 GB, बहुत 4G का ऐसे ऐसे बाइट्स है। तो ये 1010 है, ये 1014 है, दिस इज 1018, 1022 एटसेट्रा, 1 2 3 4 5, है ना, ये 5 ब्लॉक जो है, ये 5 ब्लॉक ऑफ मेमोरी 1026 ये किसको एलोकेट हो गए? ए को एलोकेट हो गए, समझ में आई बात, एलोकेट हो गए ए को। अभी मैं अभी इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से करूंगा, तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए ध्यान रखो, अगर मैं ऐसा 5 एलोकेशन नहीं करता, मैं इसमें 2 वे में इसको कर सकता था, मैं एक सेकंड वे ढूंढता हूँ मेमोरी एलोकेट करने का, 2 3 ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे या तो किसी ने बता दिया कि ये 5 हाउस नंबर जो हैं वो मैंने सपोज किसी होटल का रूम है नंबर है, ये उसने बोला कि ये जो होटल नंबर्स हैं, ये रूम नंबर से ये आपके लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, तो ये भी एक तरीका है, आपको 5 रूम के नंबर्स पता है। या फिर एक तरीका क्या हो सकता है, लाइक कि आपको पहले रूम का नंबर बता दिया और बताया कि यहां से लेके अगला 5 रूम जो है वो आपका है, तो क्या आपको बता रहा है फर्स्ट रूम का नंबर, और इसके साथ दूसरी जानकारी क्या है कि नेक्स्ट 5 रूम जो है वो आपका है, ये 2 नॉलेज दे रहा है, तब भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इस मैकेनिज्म का फायदा क्या है? इस मैकेनिज्म का फायदा है कि यूजर से बस सामने वाले से पूछना है कि भाई तुम्हें कितने रूम चाहिए, वो बस रूम बताएगा और मैं उसे क्या दूंगा, पहले रूम नंबर का नंबर, और इससे अगले का सारा काम हो जाएगा। इसी मैकेनिज्म को डायनेमिक मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि पहला कमरा और यहाँ से 5 अगला कमरा, 1 2 3 4 और 5, ये एलोकेशन जो है ये 0 1 2 3 4, ये 5 कमरे जो है वो एक को एलोकेट करते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये क्या है, दिस इज एन एड्रेस, और ये क्या है, इज एन इंटीजर, और ये ऑलवेज इंटीजर होगा, क्यों? क्योंकि नंबरिंग करना है ना, कितने ब्लॉक्स चाहिए, कितने रूम चाहिए, तो रूम या किसी भी चीज को काउंट किया जा सकता है इंटीजर में, और पहला एड्रेस तो ऑलवेज एड्रेस होगा, तो एड्रेस को कौन रखेगा, पॉइंटर रखेगा, पक्की बात है ना,
तो मैं एक नहीं डिक्लेयर करके सपोज बी लेता हूँ, सो मैं एक डिक्लेयर कर रहा एक इंटीजर पॉइंट है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे मैकेनिज्म इसमें कैसे लाना है इस एड्रेस को, राइट। तो सबसे पहले यूजर को ये बताना होगा कि उसे कितने ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी रिजर्व करने हैं, ठीक है। तो मैलॉक में क्या करूंगा, एक मैलॉक फंक्शन है, मैलॉक में यूजर को कितना चाहिए, सपोज उसको 5 इंटीजर चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई जो भी इंटीजर का साइज होगा, साइज ऑफ इंट, जो भी इंटीजर का साइज हो उससे 5 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी मुझे 5 इंटीजर के बॉक्सेस चाहिए। तो मैलॉक फंक्शन क्या करेगा, 5 इंटीजर साइज के बॉक्सेस को रिजर्व कर लेगा कहीं भी, ठीक है। मतलब 5 × 4, ये इसको आप हटा के 4 भी लिख सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको इंटीजर का साइज पता है ना। तो इतने ब्लॉक रिजर्व करके इसका जो पहला एड्रेस होगा वो एड्रेस रिटर्न करेगा ये फंक्शन। हर फंक्शन क्या करता है, कुछ इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। जैसे अगर हमारे पास पहले का कोई फंक्शन हो, कोई सही फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, कुछ इनपुट ले रहा है और कुछ वैल्यू रिटर्न करता है ना। यूजुअली फंक्शन इनपुट लेता है और वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये फंक्शन क्या करता है, आपका इनपुट ले रहा है क्या यूजर से, कितने ब्लॉक्स ऑफ इंटीजर चाहिए तुम्हें, और ये रिटर्न क्या करेगा, पहला एड्रेस। तो इस एड्रेस को हम लोग किस किस में रख सकते हैं, बी में रख सकते हैं, हो गया काम खत्म, कुछ नहीं करना था। तो ये जो एलोकेशन है और ये एलोकेशन एग्जैक्टली सेम है, कोई इशूज नहीं है। अब जैसे आप ए को ट्रीट करते हो उसी तरह बी को ट्रीट करो। सपोज मुझे ये अब एक एरे की तरह ट्रीट होगा, एरे ऑफ साइज 5 है ना। तो फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन जो भी हो 5, आई इक्वल टू आई प्लस 1 है ना, एंड देन यू कैन स्कैन एफ एम्परसेंट डी, ठीक है। हमें एलिमेंट स्कैन करने हैं, यू कैन आइदर राइट बी ऑफ आई परफेक्ट है, और इन प्लेस ऑफ बी ऑफ आई यू कैन राइट बी प्लस आई का स्टार, सॉरी एम्परसेंट, एम्परसेंट ऑफ दिस पार्ट, दिस विल ऑल्सो वर्क, कोई इशूज नहीं है। समझ में आ गई बात, या अभी भी कोई इशूज है बताओ। मतलब बाकी अब यहां से जो स्टोरी है वो स्टोरी वही है जो इसमें था पहले, बस बीच का मामला इतना ही था। अब इसमें एक बस ट्विस्ट है, पहले ये समझ में आ गया हो तो मैं उस ट्विस्ट को बताऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कोई क्वेरी। मतलब मैलॉक जो आउटपुट देता है वो देता है एड्रेस ही है ना, और एड्रेस मतलब वो डिफाइन होता है कि क्या होता है, इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है, ऐसा कुछ मतलब एड्रेस जो एड्रेस देता है वो ऐसा कुछ होता है ना कि मतलब अरे आगे वो अपने आगे अपने बताऊंगा, वो इंटीजर ट्विस्ट लेवल पे। अच्छा आगे बताऊंगा, अभी कोई ठीक है बताओ ठीक ठीक बताने वाला हूँ, वो मैंने छोड़ा हुआ है अभी। अपार्ट फ्रॉम दिस एनी क्वेरी, अभी जो बताए वो समझ में आया तो मैं आई एम हैप्पी। अभी का तो आ गया। यस सर, ट्रेडगेट सर जैसे कि आपने बताया कि वो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस देगा, तो मैलॉक में तो एक ऐसा ब्लॉक रिजर्व हो जाता है ना जो जिसमें पार्टीशंस नहीं होते, तो एकदम इसमें सही बोल रहे हो। पहले एलिमेंट का और उसका एड्रेस से क्या मतलब? यही बात अभी आगे बताने वाला हूँ, ठीक। बहुत अच्छी बात करी तुमने, तुमने पढ़ा होगा इसलिए तुम्हें ये बातें पता है। अब इंटरेस्टिंगली होता ये है मैलॉक के साथ कि जब मैं ऐसा लिखता हूँ इंट स्टार बी और बी इक्वल टू मैलॉक, कोई भी जो भी यूजर जितने इंटीजर को रिजर्व करना चाहता है मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट, तो ये एक्चुअली क्या करता है, एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिजर्व करके देता है। इसका स्टार्टिंग एड्रेस इज 2010,
है ना, और ये 20 byte का होता है. 20 byte इसलिए क्योंकि 5 मल्टीप्लाइड बाई साइज ऑफ इंट, वी नो दैट साइज ऑफ इंट इज 4, दैट्स बाई 20 byte. अब इसको ये नहीं पता कि इसे मुझे एक एक बाइट में स्टोर करना है या चार चार बाइट पे स्टोर करना है या टू टू बाइट पे स्टोर करना है. इसके लिए क्या करते हैं, ये जो पॉइंटर जो ये रिटर्न कर रहा है, ये रिटर्न क्या कर रहा है, एड्रेस रिटर्न कर रहा है. एड्रेस रिटर्न करने का मतलब पॉइंटर रिटर्न कर रहा है. तो इस पॉइंटर को हम इंटीजर पॉइंटर में कन्वर्ट करते हैं. ये टाइप कास्टिंग है. हम लिखते हैं इंट स्टार बी इक्वल टू इंट स्टार. अब इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि बी को ये पता है कि मुझे पहला एड्रेस जो मिला वो 2010 मिला, और मुझे जंप कितने का करना है, एक इंटीजर का जंप करना है, यानी हर बार मुझे चार चार बाइट का जंप करना है. मेरे पे अगर कोई प्लस प्लस लगाता है, इट मींस कि प्लस प्लस वन मतलब 2014, प्लस वन मतलब 2018, प्लस वन मतलब 2022, प्लस वन मतलब 2026. सर मतलब अपन इसमें कैरेक्टर भी स्टोर कर सकते हैं. हाँ कर सकते थे इसमें, लेकिन वही वहां पे ना हमें एक्चुअली जो जनरल जो हमारे पास मैकेनिज्म है वो बोलता है कि इसको भी तो हमें कैरेक्टर डिफाइन करना चाहिए. ये बहुत सारे कंफ्यूजन्स को एलिमिनेट करने के लिए आप सर, याद फिर तो ब्लॉक 5 MB का 5 ही बाइट का स्टोर होगा ना, अगर हाँ, फाइव बाकी वनसा करेंगे तो बाकी स्पेस. अगर आपको कैरेक्टर स्टोर करने थे 5, तो स्टैंडर्ड वे है कैर स्टार बी, बी इक्वल टू कैर स्टार जो टाइप कन्वर्जन होगा मैलॉक, कितने 5 कैरेक्टर स्टोर करने हैं ना, तो साइज ऑफ कैर. तो आप उस समय साइज ऑफ इंट क्यों करोगे, साइज ऑफ कैर, तो साइज ऑफ कैर क्या होगा, 1 byte, तो 1 byte इंटू 5 5 byte. एक्चुअली ये बताता है इसको कि हमें जंप कितना करता है. आपने यहाँ से एलोकेशन तो कर दिया, लेकिन बी को कैसे याद रहेगा कि भाई मेरे पास मुझे जंप कितना करना है. और ये जंप के जो प्रोसेसेस हैं, ये तो मैंने जब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब जब कभी मैंने एरे पढ़ाया तो मैंने आपको जंप बताया कि ए प्लस वन का क्या मतलब है ना, मतलब अगला इंटीजर कहाँ सेव होगा या अगला कैरेक्टर कहाँ सेव होगा. So this is general meaning that we can include. आप अगर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं समझ में आ रही है तो फिलहाल आप याद रखो कि ये आपको यूजर से लेना है, ये आपको क्या स्टोर कर रहे हो उसके हिसाब से लिखना है. ठीक है ना, मतलब सिंपली अगर आपको एरे ऑफ, जैसे अगर आपको इंट ए ऑफ 5 है ना, इसके जैसा डायनेमिक मेमोरी लोकेशन करना है, तो इंट ए है इसका मतलब आपको पॉइंटर भी यही क्रिएट करना होगा. ठीक है, यहाँ पे इंट है, इट मींस कि आपको जब मैलोक आप यूज करोगे तो आप जो भी यूजर का साइज होगा एन मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इंट लिखना. ठीक है, और ये एन यूजर से पहले ही मांग लेना, यहाँ प्रिंट 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 एफ लिख के स्टेटमेंट. अब इसको इंटीजर है तो इंट स्टार में कन्वर्ट करना और ए में रख देना, यूजर से एन का साइज मांग लेना कि तुम्हें कितने कितने साइज का एरे चाहिए. ठीक है, तो वो जो भी साइज देगा उस साइज का ऑटोमेटिकली यहाँ पे तुम यूजर को बोलोगे प्रिंट एफ एंटर द साइज ऑफ एरे रिक्वायर्ड, जो भी वो देगा उसे आपको स्कैन कर लेना है, परसेंटेज डी एम्परसेंट एन, यहाँ आपको इंच एन भी डिफाइन करना पड़ेगा. सो दीज आर द लाइंस ऑफ कोड. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? पूछो. तो जैसे आपने को पता है कि मैलॉक जो है वो एड्रेस आउटपुट देता है, तो एड्रेस तो बाय डिफॉल्ट इंटीजर के फॉर्म में होता है, तो फिर अपन उसको इंटीजर को ऊपर टाइपकास्ट करते हैं. इन एड्रेस ना इंटीजर के फॉर्म में होता है, ध्यान से देखो. हाँ तुम किसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो या इसकी बात कर रहे हो?
जैसे कैरेक्टर में तो करना ही पड़ेगा, पर इंटीजर दे रहे हैं तो फिर उसमें क्या करते हैं, एक एड्रेस डायलॉग दे देगा एड्रेस वो भी। इंटीजर में होता है, इट डजंट मीन कि उसका कंटेंट क्या होगा, चाहे कैरेक्टर का एड्रेस हो, चाहे फ्लोट का हो, चाहे इंटीजर का हो, एड्रेस तो ऑलवेज इंटीजर में ही होगा, हाँ है ना। एड्रेस अलग चीज हुआ और कंटेंट अलग चीज हुआ, है ना। ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है कि हमें कितना जंप करना है। अगर मैं सपोज ये बैरियर नहीं देता हूँ, सपोज ये ऐसा वैकेंट स्पेस है, ठीक है, ये तुम्हें ये सारे एड्रेस पता भी नहीं है। तुम्हें क्या पता है, बस दो चीजें पता है कि 2010 इज द फर्स्ट एड्रेस एंड आई हैव 20 bytes ऑफ स्पेस, राइट। तुमको बस इतना ही पता है पी को। अब बताओ तुम क्या करोगे। अब अगर मैं स्कैनफ चलाता हूँ, तुम कितना ये इधर वाले पार्ट को ढक दो। सपोज मैं ये नया पेज लेता हूँ और मैंने बोला कि पी के पास दो नॉलेज है बस, ये तुम्हारे पास 5000 bytes दिया गया है, ठीक है, और तुमको बता दिया कि 1010 इज दी फर्स्ट एड्रेस। अब बताओ इसमें मुझे स्टोर करना है कुछ, स्कैन कर रहा हूं मैं, तो मैं कितने मेमोरी एलोकेट करूंगा पहले एलिमेंट को, ठीक है सर, मतलब नहीं पता ना मुझे। वो जब तक ये पेज तुम देख हाँ रहे थे तब तक तुम्हें पता चल रहा था, जब ही हम इस पेज पे आए हम मैंने सब कुछ एलिमिनेट कर दिया, अभी तुम पॉइंट ब्लैंक हो गए, कह रहे मुझे तो कुछ पता ही नहीं। सपोज यू आर पी, तुम्हें कुछ नहीं पता कि जब पहला एलिमेंट मैं स्टोर करूंगा तो कितना बाइट रिजर्व करूंगा। हो सकता है क्या हो, कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ तो 1 ही बाइट करेंगे, इंटीजर स्टोर करना हो तो 4 बाइट करेंगे। ये पता कैसे चलेगा, ये जो पॉइंटर है ये इनिशियली नल पॉइंटर होता है ना। एक्चुअली इसको पता नहीं होता है कि मैं किस टाइप का पॉइंटर हूँ। और लेफ्ट साइड में एक्चुअली इंट क्या होता है, इन स्टार पी, पी क्या है, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है ना। और मैलोक जो रिटर्न करके देता है, मैलोक सपोज एन इंटू साइज ऑफ इंट, मैलोक जो रिटर्न करके देता है एड्रेस, ये एड्रेस का टाइप नहीं होता है, समझ रहे हो मेरी बात। ये जो एड्रेस रिटर्न करके दे रहा है तुम्हें मैलोक, ये एड्रेस जो रिटर्न करके दे रहा है पहला एड्रेस, इसका कोई टाइप नहीं होता है, ये ना कैर टाइप का होता है, ना इंट टाइप का होता है, ना फ्लोट टाइप का होता है, किसी भी टाइप का नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कर सकते हो ना तुम कि सपोज तुम्हारे पास वेरिएबल है इंट ए और ए में रख दिया मैंने कोई कैरेक्टर, ऐसा तो नहीं कर सकते हम। अगर ए सर, तो इंटीजर फिर टाइप का है, मैलॉक क्यों का यूज करना वर्थ ही नहीं है ना। नहीं वर्थ है, टाइप कन्वर्जन करके वर्थ है ना। सर फिर जब वो एक ही ब्लॉक कंटेन कर रहा है उसमें भी अपने को डिफाइन करना है कि वो कह रहे कि इंट है, तो फिर मैलॉक का यूज ही क्यों करा है? ये इसलिए क्योंकि तुम्हें यहाँ पे जब इसको डिफाइन करते हो तो तुम्हें साइज पहले से बताना पड़ता है कि मैं 5 साइज का एरे डिफाइन कर रहा हूँ, है ना। लेकिन जब कैलोक यूज सर करते उसमें भी तो हो, एन बताना ही पड़ेगा ना कि हाँ, एन एन कितने एन साइज का यूजर होगा। से लेना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ यहाँ तुम ऐसा प्रोग्राम लिखोगे इंट मेन, आई डोंट नो कितना टाइम होगा, रिजवाइन कर लेना अगर खत्म हो जाए तो। तुम एक इंट स्टार ए डिफाइन करोगे, तुम एक एन डिफाइन करोगे और यूजर को बोलो।